क्या सिर्फ इस मुद्दे पर अरविंद जी केजरीवाल जी राजनीति करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? काम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देश की राजधानी में हनुमान जयंती के मौके पर जो हिंसा हुई उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। निशाने पर केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी है। अब इसी बीच हिंसा का कनेक्शन बांग्लादेश के घुसपैठियों से हो रहा है, ये बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर NRC लागू करने की मांग चल रही है और जांच अभी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली BJP के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने भी अब आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने जिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। उन्होंने कहा है कि मुख्य आरोपी का आम आदमी पार्टी के बड़े मंत्रियों के साथ फोटोज भी हैं। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई फोटोज मोहम्मद अंसार की वायरल हो रही हैं, जिसके बाद अब बड़े सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल और इसके साथ ही उनके बाकी नेताओं से भी सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ये स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। वहीं भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये कल जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से जो शोभा यात्रा हनुमान जयंती उस पर जिस तरह से उपद्रवियों ने पथराव किया, हिंसा की, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने कल भी निंदा की, आज भी निंदा की है और हमेशा इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जिस तरह से जहांगीरपुरी जैसे इलाके के अंदर शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी, पीछे से आकर जब वो यात्रा निकल गई, पीछे से आकर उपद्रवियों ने वार किया, तलवारें निकाली, पथराव किया, बोतलें फेंकी और उसमें जो पुलिस की भूमिका है वो बहुत बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि पुलिस शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच में और उन उपद्रवियों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हुई और जिसके कारण से बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। 14 अपराधी जो उपद्रवी अरेस्ट हुए हैं, एक जिसने गोली चलाई सब इंस्पेक्टर मेघालाल के ऊपर, वो भी अरेस्ट हुआ है। जो देश के गृह मंत्री जी है वो लगातार स्थिति पर नजर रखते हुए, दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार नजर रखते हुए CCTV फुटेज यहाँ की खंगाल कर ऐसे जितने उपद्रवी हैं, साजिश करने वाले लोग हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, उन पर मुकदमा कर रहे हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ यहाँ पर हमारे LOP साहब श्री रामवीर सिंह भिदूड़ी जी हैं, हमारे सांसद जी श्री हंसराज हंसी हैं, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये जो कल की घटना है ये पूरे देश में पिछले रामनवमी से जो चल रही घटना है और उसका अगर हम सब सीक्वेंस जोड़ते हैं तो ये संयोग नहीं, ये साजिश है। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, प्रयोग के तहत ये पूरे देश में किया जा रहा, देश की राजधानी में किया गया। ये वही मानसिकता है जो इस यात्रा के दौरान तिरंगे पर पथराव करते हैं, जो हनुमान जयंती हनुमान के चित्र पर पथराव करते हैं और वही लोग तिरंगे पर पथराव करते हैं। इसलिए इससे साफ जाहिर होता है ये वही मानसिकता है जो JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग का गैंग है और जो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को क्रांतिकारी कहने वाले लोग हैं, ये वही मानसिकता है जो देश को तोड़ने का साजिश रच रही है। और ऐसी मानसिकता के खिलाफ दिल्ली के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है, देश के अंदर कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष जी, आपकी बात क्या हुई है पुलिस वालों से? किसी से मिलने ना पीड़ित से आप लोग पहली मैसेज आते हैं, क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के लिए जो कल ये कह रहे थे कि ये तो काम केंद्र सरकार का है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनका क्या काम है। उनका काम है जो शांति भंग करें उनको आप पानी फ्री दो, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनको आप बिजली फ्री दो, उनको आप राशन फ्री दो, उनको आप बसाओ दमाद की तरह और फिर वो यहाँ इलाकों में जहांगीरपुरी और जमुनापार जैसे इलाकों में दंगे करें और देश का और दिल्ली का माहौल खराब करें, तो क्या उनका काम यही है? अजी, पुलिस वाले के बात से क्या कहना है? आदेश जी, बुलडोजर चले जैसे बाकी जगहों पर चलता है। देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, किसी को बख्शा नहीं गया,
जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के भीतर हैं। यहाँ भी चाहे दिल्ली पुलिस हो, गृह मंत्रालय हो, पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ वही हश्र होगा, उनका वही हश्र होगा जो अपराधियों का होता है, जो इन दंगे कराने वालों का होता है, उनका वही हश्र होगा। उनको सजा भी मिलेगी और उनको भरपूर सजा मिलेगी। पुलिस से क्या बात हुई आपकी? पुलिस अधिकारी से क्या बात हुई? हमारे 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 सामने डीसीपी साहब मिले थे और मेरी इससे पहले स्पेशल सीपी से बात हुई। पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है, उन्होंने बहुत फोर्स डिप्लॉय किया है और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर डर की वजह से, दहशत की वजह से कंप्लेंट नहीं करा रहे, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं कि किसने हमें धमकाया, तलवार के बार पर अब तमंचा दिखाकर वो लोग भी बाहर आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी इस तरह की घटना जब होती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा है कि क्या सिर्फ इस मुद्दे पर अरविंद जी, केजरीवाल जी राजनीति करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? जब सवाल होता है रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते हैं तो आप उनको बताते हैं, उनको पानी बिजली क्यों दे रहे हैं, उनको राशन क्यों दे रहे हैं? तो सवाल वो भी खड़ा होता है कि आप राजनीतिक संरक्षण मत दीजिए। और यहाँ पर अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके फोटो आए हुए हैं। जिस तरह से धीरे धीरे बातें बहुत सामने आएंगी, तो इस तरह के लोगों को संरक्षण देना ये बिल्कुल गलत है। आज देश को एक कमजोर करने की साजिश जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। अजय जी, बात हुई है, क्या धारा लगाए गए उनके? क्या धारा लगाए हैं? पुलिस वाले से बात हुई आपकी? और आप क्या जहाँ पे ये कांग्रेस वहीं विपक्ष के द्वारा हिंसा के आरोपियों का बचाव भी शुरू हो गया है। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, उनको आप बिजली फ्री दो, उनको आप राशन फ्री दो, उनको आप बसाओ दमाद की तरह, और फिर वो यहाँ इलाकों में जहांगीरपुरी और जमुना पार जैसे इलाकों में दंगे करें और देश का और दिल्ली का माहौल खराब करें, तो क्या उनका काम यही है? अजी, पुलिस वाले क्या बात है, क्या कहना है? आदेश जी, बुलडोजर चले जैसे बाकी जगहों पर चलता है। देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, किसी को बख्शा नहीं गया। जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के भीतर हैं। यहाँ भी चाहे दिल्ली पुलिस हो, गृह मंत्रालय हो, पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ वही हश्र होगा, उनका वही हश्र होगा जो अपराधियों का होता है, जो इन दंगे कराने वालों का होता है, उनका वही हश्र होगा। उनको सजा भी मिलेगी और उनको भरपूर सजा मिलेगी। पुलिस से क्या बात हुई आपकी? हमारे 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 सामने डीसीपी साहब मिले थे और मेरी इससे पहले स्पेशल सीपी से बात हुई। पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है, उन्होंने बहुत फोर्स डिप्लॉय किया है और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर डर की वजह से, दहशत की वजह से कंप्लेंट नहीं करा रहे, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं कि किसने हमें धमकाया, तलवार के बार पर अब तमंचा दिखाकर वो लोग भी बाहर आ रहे हैं। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी इस तरह की घटना जब होती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा है कि